नमस्कार, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है पुरानी अनाज मंडी सफेदों में। आप देख सकते हैं सामने हमारे साथ मौजूद है सुरेश गुप्ता, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और पिछले जब 2019 का चुनाव हुआ तो बीजेपी की टिकट के एक बड़े दावेदार थे। आज कुछ विषय पर इनसे हम बात करेंगे। गुप्ता जी, पहले तो आपका सफेदों बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज की जो पीसी है, अपना परिचय दे दीजिए और विषय बता दीजिए। हरीश जी, ऐसे है, पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ हार्दिक दिल से। कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम लग गया मिलने में। डर बैठा हुआ था मन में कि कोरोना में ना मिला जाए, मेरी वजह से किसी को कोरोना हो जाए या किसी की वजह से मेरे को कोरोना हो जाए, तो डर तो लगता ही है। और सबसे पहले मैं हल्का वासियों को आपकी माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्माष्टमी की। और ये लोगों के लिए खुशी का दिन लेके आए और उनको खुशहाल करे, ये ऐसी मेरी कामना है। मैं 30 सितंबर 2019 को जनरल मैनेजर हैफेड के पद से रिटायर हुआ और उसी दिन टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कोई तकरीबन 3 बजे, और 5 बजे मेरी रिटायरमेंट थी। तो सब काम चल रहे थे और इलेक्शन हो गए और ये सब काम हुआ और सुभाष गांगुली जी हमारे माननीय MLA इलेक्ट हो गए। और आज मैं यहाँ आया था तो इस हलके के साथ मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरा अपना एरिया है, डाठरथ गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और बड़ा अच्छा लगता है कि यहां के लोगों की, इस एरिया के लोगों की सेवा की जाए, देखा जाए कि कहां कहां क्या क्या तरक्की इस एरिया में जवानों की, किसानों की, बुद्धिजीवियों की, माताओं की, बहनों की, सबकी कैसे सेवा की जा सके। तो ये ध्येय है। और जैसे मैं रिटायर हुआ तो मैंने हाई कोर्ट का एडवोकेट का प्रैक्टिस का लाइसेंस ले लिया और मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वहाँ भी सेवा का भाव है। और किसी को यदि, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी को कोई भी तकलीफ़ हो और वो कोर्ट के एडवोकेट की फ़ीस ना दे पाए, तो हमारे हल्का वासियों के लिए सुरेश गुप्ता अवेलेबल है, क्योंकि कोई ना कोई केसेस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हाई कोर्ट तक तो जाते रहते हैं। और मुझे ऐसा सा महसूस हुआ कि सफ़ेदों का भाग्य बीच बीच में उदय होते होते रुक जाता है। वो किस तरह सर? सरकार आती है किसी की और MLA किसी दूसरी पार्टी का, ऐसा कुछ हो गया। नहीं तो देखा जाए तो मैं आज पानीपत से यहाँ तक चल के आया हूँ तो 25 मिनट ही लगे। अब 25 मिनट के डिस्टेंस में तरक्की तो बहुत ज़रूरी है। पानीपत की तरक्की आप देखो और पानीपत के आसपास की तरक्की आप देखो, कहीं पे रिफाइनरी लगी हुई है, कहीं पे थर्मल प्लांट लगा हुआ है, कहीं पे कुछ लगा है, पर मेरे को सफेदों में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब जो एरिया है वो सिर्फ यही एरिया बचता है जो बेसिकली दिल्ली के नज़दीक है, पानीपत के नज़दीक है और गोहाना के नज़दीक है। तो यहाँ के लोग भी बहुत वाइब्रेंट है, मतलब मैं तो सारे सरपंचों से और एक एक सरपंच से मैं मिला हूँ तो लोगों में बहुत उत्साह है, पर पता नहीं तरक्की नहीं हो पाई। तो ये विषय मैं बोलना चाह रहा था। और दूसरा ये है कि ये जो पंचायत के इलेक्शंस हैं, जिला परिषद के हैं, ब्लॉक समिति के हैं, इनको भी सरकार को जल्दी कराना चाहिए और इसमें ज़्यादा लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब जब इलेक्शंस रुकते हैं तो उस एरिया का विकास रुक जाता है। और विकास को तेज़ गति से चलाने के लिए इलेक्शंस प्रोसेस डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट और इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि लोग अपने अपने कामों में लगें। और मैं सफेदों के साथ
24 घंटे जुड़ा रहता हूँ। मैं काफ़ी ग्रुप्स का मेंबर हूँ। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप हर 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में खबर देते हैं। ग्रेन मार्केट के ग्रुप का भी मैं सदस्य हूँ और बाकी जगह बार एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ एक्चुअली, सफ़ेदों बार एसोसिएशन का, और इनकी गतिविधियों के साथ प्रधान जी हमारे साथ हैं, रमेश भारद्वाज जी जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं इस एरिया में और तीसरी बार प्रधान बने हैं ये। वो बहुत मुश्किल है आजकल इलेक्शन जीतना और करना, मेरी भी भागीदारी थोड़ी बहुत रही है इनके साथ, क्योंकि अच्छे इंसान हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। और तो ये सब एरिया और सब तरक्की, मुझे ऐसे तो लगता है कि देखो तरक्की तो होगी इसकी, किसी के थ्रू भी हो, क्योंकि बहुत नज़दीक हैं हम बहुत बड़े सिटी के साथ। इसको ही लेके हमने अब एक प्रक्रिया शुरू की है, 50 बेडेड हॉस्पिटल, तकरीबन 30,000 स्क्वायर फिट एरिया में, आप जहाँ बैठे हैं उसके साथ वाली बिल्डिंग का काम शुरू किया है और 8-9 महीने में इसको कंप्लीट करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होगा, इसके अंदर बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर बैठेंगे, MD, MS, गाइनी, सारी तरह की सुविधा इसके अंदर होंगी। और मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई करता है एक हॉस्पिटल बनाने के लिए इस एरिया में, पर ये सारा जो हॉस्पिटल रहेगा, जो काम करेंगे, वो सेवा भाव होगा। और लोगों को, मुझे नहीं पता, मेरी काफ़ी बार लोगों से बात होती है, प्रवीण यादव बैठे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने एक बार मुझे बताया कि बुखार हो गया, पानीपत चेकअप कराने जा रहे हैं। तो मेरे को बड़ा ताजुब सा हुआ कि बुखार है या टाइफाइड है, उसके लिए पानीपत जाना पड़ता है। तो मुझे ऐसे उम्मीद है कि ये हॉस्पिटल हम चलाएंगे तो पानीपत वाले लोग सफ़ेदों अपना इलाज कराने के लिए आएंगे, क्योंकि हम फैसले देने वाले। देखो बात पता है, दिल से काम करेंगे, सेवा है, डॉक्टर्स होंगे, हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, घर के डॉक्टर्स हैं, प्लस बाहर के भी डॉक्टर्स होंगे, सेवा भाव का कोई मूल्यांकन नहीं होता। जो सफ़ेदों की गरीब जनता है या जो गरीब तबका है, आप एक अस्पताल बना रहे हैं, सेवा भाव से बना रहे हैं, उस गरीब तबके के लिए किस तरह की कोई विशेष सुविधा देंगे? ऐसे है, ये सारा खुलासा हम इनॉग्रेशन के टाइम 9-10 महीने के बाद जब करेंगे, तो अभी अर्ली स्टेज है ये, अभी बिल्डिंग तैयार हो गई है, सब कुछ काम हो रहा है, तो 9-10 महीने के बाद हम उसका डिटेल में खुलासा करेंगे। डॉक्टर शुभम गर्ग जो है वो इसके इंचार्ज होंगे और उन्होंने MBBS किया है, MS किया है, और इतना क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट डॉक्टर यदि सफ़ेदों में अपनी वाइफ के साथ, जो कि खुद भी वो MD, MS है, सेवा देने के लिए तैयार है, तो मैं कहता हूँ हल्का वासियों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत सेवा की बात है। सर एक सवाल आपसे जान लेते हैं हम, कि जैसे अब सफ़ेदों नगर पालिका का चुनाव सर पर है और काफ़ी प्रत्याशी मैदान में, और काफ़ी स्थिति जो है, हर आदमी दावा कर रहे हैं चेयरमैन बनने का, एमपी बनने का, नगर पालिका के चुनाव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सीटों की जनता से? अच्छा व्यक्ति चुनना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यदि तरक्की करनी है, पार्टी को छोड़ के व्यक्ति पे ध्यान देना चाहिए। यदि व्यक्ति ठीक चुना जाएगा तो ठीक पैसे खर्च होंगे, सब काम होंगे। राजीव गांधी जी ने कहा था एक बार कि 20 पैसे खर्च होते हैं 1 रुपये में से, बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे ऐसे सा लग रहा है कभी आजकल 15 ही पैसे खर्च ना हो रहे हो। तो अच्छा व्यक्ति, अच्छे लोग को ही लोगों को चुनना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव हैं, सारी पॉलिटिक्स जानते हैं, हर तरह की चीज़ पता है, व्यक्ति का चुनाव अच्छी तरह से करना चाहिए। चलिए अंत में सफ़ेदों नगरवासियों को क्या संदेश देंगे? मेरी उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि ठीक लोगों को चुन के लाओ, थोड़े बहुत जो सेवा भाव वाले लोग हैं उनके साथ काम करो। हम अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं, हम अपने साथियों को जोड़ रहे हैं, और यदि एरिया की तरक्की चाहिए तो ठीक आदमी लाओगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू।